हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको तीसरी वीडियो बेरोजगारी लेकर आए हैं और पूरी बेरोजगारी के बारे में बताएंगे कि भारत में या विकसित देश में, विकासशील देश में कैसी बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, इस टॉपिक पर आज मित्रों हम बात करेंगे। बेरोजगारी, बेरोजगारी मित्रों, भारत जैसे देश के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है और विश्व का सबसे युवाओं वाला देश भारत है, लेकिन रोजगार की कमी में भारत बेरोजगार है। तो देखिए, जो बेरोजगारी है इसको पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि 15 और 64, 15 के पहले, 64 के बाद इसकी जनसंख्या को हम आश्रित, ये भी आश्रित जनसंख्या है और ये भी आश्रित जनसंख्या है, और इसके बीच की जो जनसंख्या है उसे हम श्रम शक्ति कहते हैं। बेरोजगारी, जरा समझिए, 15 से पहले बच्चे अपने माता पिता पर, 64 के बाद बुजुर्ग अपने बच्चों पर आश्रित होते हैं, तो इसे हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं, और इसके बीच की जनसंख्या को हम श्रम शक्ति के नाम से जानते हैं। देखिए, बेरोजगारी चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, दोनों जगह देखने को मिलती है, लेकिन दोनों जगह के बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, विकसित देश में और इधर विकासशील देश में, विकसित देश में बच्चों जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो सप्लाई वहां पर ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, इसके कारण उत्पन्न होती है। भारत जैसे देश में संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगर हम बेरोजगारी की परिभाषा करें तो प्रचलित मजदूरी दर पर जो व्यक्ति काम करना चाहता है, प्रचलित मजदूरी दर पर जो व्यक्ति काम करना चाहता है, यदि उसे काम नहीं मिलता तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। उसे हम कैसे बेरोजगार कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगार, मतलब इच्छा है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिला है, तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। और प्रचलित मजदूरी दर पर जो व्यक्ति काम करना ही ना चाहे, काम मिल रहा हो लेकिन करना ही ना चाहे, तो उसे हम ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले इसकी हम पूरा डायग्राम के माध्यम से बताते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे कैसे बेरोजगारियां कहां कहां पे उत्पन्न है। तो विकसित देश में देखिए, दो तरह की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। जो पहली बेरोजगारी है उसको हम घर्षण जनित नाम देते हैं, घर्षण जनित बेरोजगारी, और जो दूसरी है उसे हम चक्रीय नाम देते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। विकासशील देश में शहरों में अलग शहरी बेरोजगारी, गांवों में अलग ग्रामीण बेरोजगारी, शहरों में दो प्रकार की औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरी शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण में दो प्रकार की मौसमी बेरोजगारी, अब अगला प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। दुनिया में मित्रों देखिए, इतनी ही बेरोजगारी है जितना मैंने बोर्ड में लिख दिया, इसके बाहर कोई बेरोजगारी है ही नहीं, और इससे बाहर कभी भी कोई परीक्षा में प्रश्न भी नहीं पूछेगा।
कोई भी परीक्षा। तो कहने का मेरा मतलब कि विकसित देश में जो बेरोजगारी होती है वहां देखिए सप्लाई ज्यादा होती, जैसे अमेरिका जैसे देश है वहां पे मान लीजिए सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। जैसे मान लीजिए कि देश में पंखे को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, यदि पंखा बहुत ज्यादा बन जाए लेकिन इसकी डिमांड मार्केट में ना हो तो सीधी सी बात है जो पंखे के कारखाने में काम में लगा है वो बेरोजगार हो जाएगा, उसकी छटनी कर दी जाएगी और वो दोबारा रोजगार नहीं पाएगा जब तक वो पंखे की सेलिंग नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी। तो कहने का मतलब पूर्ति ज्यादा होती है उस अकॉर्डिंग मांग नहीं हो पाती, जिसके कारण यहां बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगली देखिए, विकासशील देश में भारत जैसे संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में क्वालिटी का अभाव है, गुणवत्ता नहीं है। पीएचडी तो कर लिए, डिग्री तो ले लिए, लेकिन क्वालिटी का अभाव है जिसके कारण बेरोजगार होते हैं, तो उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब देखिए यहां घर्षण जनित बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक काम से दूसरे काम में जाता है तो जो बीच में समय लगता है या तो नई टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद जब एक काम से दूसरे काम को सीखता है तो जितने दिन तक वो बेरोजगार रहता है तो उसे हम घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप टंकर पे काम कर रहे हैं, टंकर टाइपिंग मशीन पे काम कर रहे हैं, अचानक कंप्यूटर आ गया तो जितने दिन तक सीखेंगे बेरोजगार रहेंगे, या तो मान लीजिए आपकी कोई ऑफिस इलाहाबाद में है, आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ से कहीं और भेज दिया गया और जितना दिन आपको 7-8-10 दिन दूसरे काम को ढूंढने में समय लगेगा आप बेरोजगार रहेंगे, तो उसी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब कि जो व्यक्ति किसी एक कार्य में लगा हो और उस वस्तु की मांग अधिक हो तो वो रोजगार पाए रहेगा और जैसे ही उसकी मांग समाप्त हो जाएगी व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा, तो उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए विकास भारत जैसे देश में शहरों में अलग तरीके की बेरोजगारी, गांव में अलग तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है। शहरों में देखिए इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। प्रश्न देखिए, उद्योग धंधे होते कहाँ? शहरों में। लेबर कहाँ होता है? गांव में। तो जिस अनुपात में लेबर की मांग होती है उससे अधिक लेबर की पूर्ति हो जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 लोगों की जरूरत है लेकिन गाँव से 200 लोग भागते चले आए तो जो कंपनी वाला है वो क्वालिटी भी ज़्यादा लेगा और 100 लोगों को ही रोजगार देगा, 100 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसी बेरोजगारी को हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। अगली जो बेरोजगारी है शिक्षित, मित्रों ये बहुत दुखदायी बेरोजगारी है, बहुत कष्टदायी बेरोजगारी है, बहुत तकलीफ देती है ये, क्योंकि व्यक्ति इसमें पैसा भी बर्बाद करता है, समय भी बर्बाद करता है और अपनी पूरी उम्र भी गंवा देता है। उसके बाद भी यदि व्यक्ति बेरोजगार होता है तो ये सबसे दुखदायी बेरोजगारी होती है। इसका कारण यही है कि हमारे पास क्वालिटी का अभाव है, पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जा रही है देश की, ये भी एक कारण है, और इंसान काम को भी छोटा बड़ा कुछ समझने लगता है, ये भी एक कारण है। आइए ग्रामीण क्षेत्र में देखिए दो तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है, एक है मौसमी बेरोजगारी और अगली है प्रच्छन्न एवं छिपी बेरोजगारी। ये प्रच्छन्न एवं छिपी बेरोजगारी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार किसी न किसी परीक्षाओं में पूछ लेता है और व्यक्ति गलत कर देते हैं। तो देखिए मौसमी जो बेरोजगारी है, ये दोनों बेरोजगारी का जो संबंध है ये ग्रामीण क्षेत्र से है, अर्थात इसका संबंध कृषि से है, पहला प्रश्न आपका यही बन जाएगा। तो ध्यान से समझिए, मौसमी का मतलब जब खेती बाड़ी का काम होता है तो किसान काम में लगा रहता है, जैसे समय धान की रोपाई हो रही है, धान की जैसे ही रोपाई हो गई फिर जब तक काटने का समय आएगा तब तक बैठा रहेगा, कट गया तो फिर गेहूं का इंतजार करेगा, मतलब 6 महीने काम करता है 6 महीने बेरोजगार रहता है, इसलिए मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रच्छन्न एवं छिपी बेरोजगारी, ये हर परीक्षा में आया हुआ है, छोटी से लेकर यूपीएससी तक ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसकी प्रकृति को जरा समझिए कि छिपी बेरोजगारी है क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते किसे हैं। इस चार्ट को मित्रों बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा इसीलिए मैं हर टॉपिक को
पहले मैं क्या करता हूँ कि पूरा डायग्राम से समझाता हूँ, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम विस्तार से समझा दें। कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी है क्या? अगर इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है, किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उससे अधिक लोगों का लगा होना, जिनके द्वारा किया गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य हो। देखिए, यहाँ प्रश्न बड़ा टेक्निकल बनाता है। यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य हो, परीक्षा में दे देगा कि बताइए छिपी बेरोजगारी में उत्पादन होता है, चार ऑप्शन बना देगा, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन बनाएगा तो आप बड़ा कंफ्यूजन में हो जाएंगे। आपके दिमाग में चलेगा, पहले तो आप इसी को लगा देंगे, शून्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बात को समझिएगा कि प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी में किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उससे अधिक लोगों का लगा होना, जिनके द्वारा किया गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य। यहां पे सीमांत उत्पादन शून्य होगा, ये राइट आंसर होगा। यहां प्रश्न उठता है सीमांत का मतलब क्या है। तो जैसे 10 लोग किसी काम को कर रहे हैं और उत्पादन 100 केजी हुआ, उसी काम को 12 लोग करने लगे तो उत्पादन 105 केजी हुआ, तो मतलब सीमांत उत्पादन 5 केजी बढ़ा। मतलब जो अतिरिक्त दो श्रमिक लगे ना, दो, तो उसी को हम, अगर 100 केजी होगा तो जो और दो अलग लगा दिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ सीमांत का मतलब कि किसी काम को जो कर रहे हैं उसमें जो अतिरिक्त श्रमिक लगाएं तो उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसी को हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। मैं आपके एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा देता हूं। जनरल एग्जाम्पल मैं कृषि का ही देता हूं क्योंकि ये बेरोजगारी कृषि से संबंधित है। तो मान लीजिए ये कोई खेत है, इसमें दो महिलाएं काम कर रही हैं, दो महिला काम कर रही हैं, और इस खेत में दोनों महिलाओं के द्वारा जो काम किया गया उत्पादन हुआ 100 केजी, 100 केजी उत्पादन हो गया। इसी खेत में दो महिलाओं की वृद्धि कर दी गई, इंक्रीज कर दिया गया, दो महिलाओं को बढ़ा दिया गया, फिर भी उत्पादन 100 केजी हो रहा है। तो बात समझिए कि उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उत्पादन जो पहले हो रहा था वो अब भी हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दो महिला को खेत से निकाल दिया जाए तो उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये दो महिलाओं के द्वारा किया गया सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इसी को हम प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो देखिए मित्रों, ये टॉपिक छोटा है, इसमें कितने प्रश्न बनेंगे उसको बता देता हूँ, फिर मैं अगली क्लास जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा फिस्कल पॉलिसी उसकी बात करूंगा। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट, पहले एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि प्रचलित मजदूरी दर पर जो व्यक्ति काम करना चाहता है यदि उसे काम ना मिले तो अनैच्छिक बेरोजगार, काम मिल जाए तो उसे ऐच्छिक, काम मिले करना ना चाहे तो ऐच्छिक बेरोजगार, 15 से पहले 64 के बाद की जनसंख्या को आश्रित, इसके बीच की जनसंख्या को श्रम शक्ति कहते हैं, विकसित देश में पूर्ति ज़्यादा होती है मांग कम होती है इसके कारण बेरोजगारी, भारत में संरचनात्मक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में आता है कि एक लाइन में बताइए भारत में कैसी बेरोजगारी है, तो संरचनात्मक होती है। उसके बाद जो अगली बेरोजगारी प्रच्छन्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो घर्षण जनित का मतलब एक काम से दूसरे काम में जो जाते हैं उसमें जो समय लगता है, बेरोजगार रहते हैं, किसी काम में लगे हैं उसकी मांग अधिक हो रही है तो रोजगार मिला, मांग घट गई तो बेरोजगारी चक्री, इंडस्ट्रियल आप जान ही रहे हैं, शिक्षित आप जान ही रहे हैं, मौसमी और ये प्रच्छन्न, ये सारी चीज़ों को मैं बता दिया। बेरोजगारी में इतनी ही चीज़ें हैं मित्रों, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं तक है, और बेरोजगारी के कारण आप जान रहे हैं जनसंख्या वृद्धि बहुत सारी चीज़ें, तो आज की क्लास यहीं तक, और ये बेरोजगारी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।
पढ़ते रहिए।